ले जी अब हम रेडी हो चुके हैं, अब हम बाजार निकल लगे हैं और आपसे मुलाकात होती है बाजार के अंदर इंशाल्लाह। हम पहुंच गए हैं जलबी स्टोर, ये हम साहिवाल में रहते हैं तो साहिवाल में ये गर्ल्स कॉलेज रोड पर जलबी का स्टोर है। आज मेरी अभी बैटरी भी जा रही है कैमरे की बिल्कुल, और मुझे बहुत भूख भी लग रही है और काफी टाइम हमने यहाँ पर लगा लिया है और भूख भी नहीं लग रही है। ले जी हम आए हुए थे शॉपिंग करने के लिए बाजार, सुबह 9:30 बजे के करीब घर से निकले थे तो अभी 2:30 बज गए हैं दोपहर के, तो मुझे भी काफ़ी भूख लगी हुई है और ऐसे को भी काफ़ी भूख लगी हुई है, तो हमने प्लान बनाया है पिज़्ज़ा खाने का। तो हमारे जहां पर हम इस टाइम खड़े हैं तो यहां से कोई 5 मिनट की ड्राइव के ऊपर पिज़्ज़ा हाउस है, वहां से चलकर हम अब पिज़्ज़ा खाएंगे, काफ़ी अच्छा पिज़्ज़ा का और अक्सर हम वहाँ पर जाते हैं और खाते हैं, तो फ़ैल शहीद रोड पर है तो अब चल के हम पिज़्ज़ा खाएँगे, काफ़ी भूख लगी हुई है। चले आप ही हमारे साथ चले और चल के पिज्जा खाते हैं। पिज्जा हाउस है सही बात, उधर मैं आया हूँ तो अभी इसकी बिल्कुल बैटरी जो चार्जर है वो खत्म होने वाला है, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि मेरा आप फ़ोन लगा लें, तो मैं फ़ोन लगाने लगा हूँ तो चार्जर उन्हें देने लगा हूँ, चार्जर मैंने साथ रखा हुआ था बैटरी बैकअप के लिए वो लाना भूल गया हूँ घर से, तो वो मैं इंशाल्लाह चार्ज करके फिर बाकी की वीडियो आपके साथ शेयर करता हूँ। ये है जी पिज़्ज़ा हाउस साहिवाल में, ठीक है ये फार्मेसी है फार्मा लैंड उसके साथ ही है और इसे तो पैर शहीद रोड कहते हैं। ये जी अभी भूख हमें ज़्यादा लग गई है तो सबसे पहले मैंने ऑर्डर किया, ये हम खाने लगे हैं जी इनका फ्रूट सैलड जो है ये मैंने मंगवाया, तो ये हम करने लगे हैं, ये खाने के बाद बाकी हम आपको बताते हैं जैसे जैसे चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है जी। मेरा जो बर्गर मैंने ऑर्डर किया था वो बर्गर भी आ चुका है और बर्गर आप खाने लगे हैं, बर्गर ये मैंने मंगवाए यहाँ पर एक डील इनकी चलती है स्टूडेंट डील, पहले वो मंगवाइए वो खा कर मैं आपको बताता हूँ भाई इसका टेस्ट कैसा है, ज़बरदस्त है कि नहीं, ठीक है। ये देखें जी ये हम इसके अंदर ये अभी इसके चार हैं, मैं इसको सारा मिक्स कर लेती हूँ। और ये मुझे लग रहा है कि हमने भी पिज़्ज़ा भी ऑर्डर किया है और ये भी सारी चीज़ें हैं, ये सारी की सारी बहुत ही यम्मी लग रहा है। और ये करीब से है लुक जी इसके, ये जी अब मैं इसे खाने लगा हूँ, खा ये जी खा कर चेक करने लगा हूँ, ज़बरदस्त जी कमाल है, आप जब भी आए इसका जो फ्रूट सैलड वो टेस्ट करना मत भूलिएगा, ज़बरदस्त है इसका टेस्ट वगैरह ये वो सारी चीज़ें, अभी पहले मैं इसे खाऊंगा और बाकी वीडियो इसके बाद आपको दिखाता हूँ। बर्गर ट्राई करने लगा हूँ मैं इनका, बर्गर देखते हैं किस तरह है और फिर आप ट्राई कीजिएगा आकर। अमेजिंग है, इसके अंदर इन्होंने एक चपली कबाब और मियों वगैरह डाली है और ये ज़बरदस्त है जी। पूरा प्राइस बता दें, प्राइस इसकी स्टूडेंट बर्गर से कहते हैं जी, ये 100 का आपको मिलेगा 100 रुपये में, बेहतरीन बर्गर है और आप खाएं इसे। अब मैं पूरा खाता हूँ वीडियो बंद।
अच्छा जी, हम सबसे पहले तो आप ये बता सकते हैं जो हॉल है वो इस टाइम फुल बिजी है, लोग हमारे साथ बैठे हैं तो इसलिए हम ऊँची आवाज़ में मैं बात नहीं कर सकता हूँ। इस वक्त तक मैं 2 बर्गर खा चुका हूँ और साथ में सैलड भी, लेकिन कुछ नहीं बना। यही हाल ऐसे का है, वो भी अभी मुझे यही कह रही है कि मैं, मेरा तो कुछ नहीं बना, ये 2 बर्गर खा के भी तो हम सो, और साथ में ये भी मुझे कह रही है कि अभी चल के चाट भी खाएंगे, वो भी मैं बताऊंगा अभी चाट कहाँ से किस तरह से खाने में बहुत ही बेहतरीन। अभी आपने डील्स नहीं बताई हमने कौन सी ली। अभी मैंने डील की है इसमें मीडियम पिज़्ज़ा की, उसके साथ रेगुलर ड्रिंक है और मैंने स्प्राइट मंगवाई है और बर्गर खा चुके हैं, स्टिल अभी भूखे हैं। तो ये आज हम कितने बजे से निकले थे घर से? आज सुबह मैं 6 बजे का निकला हूँ और कोई चीज़ खाई भी नहीं है, हालांकि मैं 2 पराठे खा कर आया हूँ, वो भी आलू वाले, और निकले भी 10 बजे हैं, लेकिन उसके जो काम था वो खड़ा होने का था सारे का सारा दिन, तो इसलिए खड़े रहे हैं, वो काम करते रहे, शॉपिंग करते रहे हैं हम लोग। अभी फारिग हुए उधर से तो इधर मैं पहुँचा हूँ, यहाँ पर यहाँ का इटालियन पिज्ज़ा जो है वो फ्लेवर बहुत पसंद है अदील को, वही मैंने दोबारा ऑर्डर किया, हालांकि उन्होंने कहा वैसे उसने मुझे कहा है कि इसका चेंज करो फ्लेवर इस तरह, लेकिन मैंने कहा जी इस टाइम जितनी शदीद भूख है मैं रिस्क नहीं ले सकता, तो मैंने इटालियन पिज़्ज़ा ही ऑर्डर किया, वो भी आता है तो फिर देखते हैं आपको कैसा है, और उसका टेस्ट तो ज़बरदस्त है, मुझे पहले ही बहुत पसंद है। चलिए हम वेट करते हैं, वेट कर रहे हैं अभी पिज़्ज़े का, और मैं उसे दोबारा कह रहा हूँ यार भूख बहुत लगी है, जल्दी जल्दी कर दो। ठंड टल गई है, अब मैं पीऊँगा, मुझे तो हिचकी भी लगी थी। लो जी पिज़्ज़े का भी आ गया जी, पिज़्ज़ा भी आ गया जी हमारा, पिज़्ज़ा तो बहुत छोटा है, कोई नहीं चाट भी खानी है वो जाकर खाएंगे। ऐसे आपको खा कर ये कैसा है? मैं ट्राई कर रही हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। बहुत ही मजे का, अब मैं 30 मिनट से कैमरा हटा रही हूँ क्योंकि इससे पहले तो लेकिन टेस्ट ज़बरदस्त है। मैंने अभी खाया तो मैं आपको बता रहा था कि हमारे साथ जो हॉल था वो सारे का सारा फुल था, फैमिलीज बैठी हुई थी, तो इसलिए मैं ऊँचा नहीं बोल सकता था। अभी थोड़े से काम लोग हुए हैं तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है इटालियन पिज़्ज़ा इसका, मैं ट्राई करता हूँ हर दफ़ा, बहुत ज़बरदस्त है। पिज़्ज़ा हाउस है तुफैल शहीद रोड पर, तो यहाँ पर आप आइएगा ट्राई कीजिएगा, ज़बरदस्त है। और अभी आज मैं हम फिर रहे हैं साहिवाल के अंदर, तो यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि जिनका पिज़्ज़ा बेस्ट है मेरे हिसाब से। वैसे काफ़ी यहाँ पर पिज़्ज़ा पार्लर है, लेकिन मैं हमेशा यहीं पर खाने के लिए आता हूँ क्योंकि इनका इटालियन पिज़्ज़ा जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा जी, आप हम फ्री हो गए, खाना खा लिया मैंने और काफ़ी ज़्यादा ही खा लिया, आप यहाँ से निकलने लगे हैं, आप नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कौन सा होता है, यहाँ किस जगह पर मिलते हैं आपसे, क्योंकि आवारा गर्दियाँ तो जारी रहनी है। Stay here and I will come after 5 minutes. अब जी हम हाई स्ट्रीट पर खड़े हैं और ऐसे को भूख लग गई है, भूख नहीं लगी उसे, वो मीठा खाना चाह रही है, तो मैं डेजर्ट खाना चाह रही हूँ, तो रस मलाई की उन्होंने फरमाइश की है, तो मैं रस मलाई लेने जा रहा हूँ। सामने हमारे गोरमे बेकरी है, बेकरी अभी ओपन हुई है, अब हम इसकी रस मलाई ट्राई करने लगे हैं, अभी मैं आपको बताऊंगी रस मलाई कैसी है। हाँ जी, वो अभी मैं लेने जा रहा हूँ तो खा कर चेक करते हैं कैसी है, क्योंकि अभी गोरमे खुली है तो हमने अभी चेक नहीं, गोरमे का भी व्यू दिखा दें। ओके,
मैंने ये खरीद लिया जले। अब रसमलाई खरीद ली है जी। रसमलाई आई है 110 रुपए की गोरमे वालों की। आपने चम्मच नहीं लाया? साथ में चम्मच भी है, सारा कुछ है। अब ये खाती है जी, फिर बताते हैं जी टेस्ट कैसा है गोरमे का। लेकिन एक चीज़ तो है भाई, महंगी हो गई है ये। 70 में होती थी, अभी 110 रुपये में मिली है। देखते हैं कैसा लगता है टेस्ट। शक्ल से तो अच्छी लग रही है, ठंडी भी है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हाँ जी, कैसी है जी? ज़बरदस्त है। एक और बात है जी, इनका दूध थोड़ा सा पतला है, पर इनकी जो वो ढेलियाँ बनी हुई ना, गोल गोल जो गोलियाँ हैं, वो बड़ी हैं। अच्छा, आम जो है वो छोटी होती है, दूध बहुत पतला है इनका। और देख सकते हैं आप, बहुत ही भूखी है। इसने एक दफा भी मुझे ट्राई करने के लिए नहीं कहा। मैं बहुत भूखी हूँ। चलो मुझे एक दफा मैं खिला नहीं सकती, मैं पकड़ लेती हूँ ये जी। मैं आप ट्राई करने लगा हूँ, कैसा टेस्ट है इसका। ये गोरमे बेकरी हमारे यहाँ पर नहीं खुली है, हाई स्ट्रीट के ऊपर। जबरदस्त टेस्ट है जी इसका। पर पतला क्यों पानी इतना? ये जो मिल्क जो है बहुत ज़्यादा थिन है, तो प्लीज़ गोरमे वाले अपना मिल्क सही कर लें, अगर आप चाहते हैं कि हम आपके पास बार बार आए। हाँ, तो वो ठीक करें जी। आप चलते हैं